अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ मोहम्मद कासिम साजिद। और आज हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे। अब एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2, -5, 3, 6। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसके नंबर ऑफ रोज क्या है और कॉलम्स क्या है। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 and 2, and number of rows are also 1 and 2. So the order is 2 cross 2. इस केस में भी number of rows and number of columns 2 है, तो हमारे पास 2 cross 2 का order बन रहा है। अब इस केस में कितने मेरे पास row 1 है और मेरे पास जो column है वो कितने हैं 1 and 2। So the order is row यानी कि 1/2। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि जो जितने रोज हैं, रोज पहले लिखे जाते हैं और कॉलम बाद में। सो पहले रो आएंगे, रो बाय कॉलम, सो 1/2। नाउ इन दिस केस मेरे पास 4, 0, 6 है, दिस डी पार्ट, डी इज इक्वल टू दिस। सो इस केस में मेरे पास कॉलम कितना है, 1 है, और रो कितने, 1, 2 and 3। सो द ऑर्डर विल बी 3/1। नाउ अब आगे चलते हैं हम ई पे। ई में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 1 and 2, एंड द नंबर ऑफ रोज आर 1, 2 and 3। सो द ऑर्डर इज 3/2, 3/1। इस केस में देखें नंबर ऑफ 1 and 1, तो 1/1 इज द ऑर्डर। इस केस में मेरे पास 1, 2, 3, 3 कॉलम एंड 1, 2, 3, 3/3 का मैट्रिक्स एक बन रहा है, द ऑर्डर इज 3/3। नाउ इस केस में मेरे पास है 1, 2, 3, तो मेरे पास कॉलम हो गए 3, और इस तरह 1 और 2, तो 2/3 का मैट्रिक्स बन रहा है मेरे पास, ऑर्डर इज 2/3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब मेरे पास ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू दिस, सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक है मेरे पास 10 ऑप्शन है मेरे पास। अब मेरे सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मेरे पास ऑपरेशन है, जिस मैट्रिसेस में ऑपरेशन है, पहले हमने उसे सॉल्व करना है। For example, in this case, C में देखें 5 minus 3, so the answer is 3. तो मैंने पहले C equals to 3 कर दिया। अब secondly कहाँ पे है? अब G 3 minus 1, 3 plus 3, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 6. And then this 2 plus 2, which is equals to 4. And 2 plus 4 equals to 6. Sorry, 2 minus 2 equals to 0, and 2 plus 0 equals to 2. So मेरे पास ये एक मैट्रिक्स, ये चार मैट्रिक्स बन गई, और हमारे पास ऑपरेशन नहीं है। अब देखें A और C, order A is equals to order of this, that is 3. So ये पहला मेरा एक पॉइंट हो गया। सेकेंड देखिए order of B 3, 5, और मेरे पास ये देखिए 3 और 3 plus 2, that equals to 5, तो ये बी और ये बी और ये आई, ये मेरे पास सेम है। नाउ अब जाते हैं हम सी, वेर इज सी, सी इज 3 और ए, तो ये मेरा एक जो है पेयर बन गया, यानी कि इसका और इसका और आर द इक्वल मैट्रिसेस। D, where is D? T is 5 and 3. 5 and 3 का कोई पेयर नहीं है, 5 and 3 has no equal matrices. तो ये मेरे पास निकल गया। Then E, 4, 6, 0, 2. E और H. This is E and this is H. So F 2, 6, F 2 and 6. F and G are the same orders, 2 and 6. और मेरे पास 4, 0, 6, 2. अब 4, 0, 6, 2 is the last में हम देख रहे हैं, तो 4, 0, 6, 2 इसका भी है, ये order भी है, और 4, 0, 6, 2, 4, 6, 0 and 2, 4, 0, 6, 2 इसका भी order है, तो E, H and J as the same order. Then the question number it completes question number 2. Question number 3 में हमने find करना है the value of A, B, C. So मेरे पास जो पूरी जो मेरे पास क्वेश्चन है, A plus C, A plus 2B, C minus 1, 4D minus 6 equals to 0, 3 minus
सेवन टू प्लस टू। जैसे कि पहले आपको समझाया गया था कि मैट्रिसेस में मेरे पास जो इस ये जो मैट्रिक्स है इसका ए वन वन ए वन वन फिर ए वन टू हो गया ए टू वन एंड ए टू टू, ये मेरा ये है ए ए प्लस सी इक्वल्स टू ए ए वन वन ए प्लस टू बी, ये मेरे पास हो जाएगा ए वन टू सी माइनस वन ए टू वन एंड फोर डी माइनस सिक्स इक्वल्स टू ए टू टू। अब ये दोनों मैट्रिक्स ए प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द फर्स्ट केस ए प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, दिस ए वन वन इक्वल्स टू ए वन वन, देन ए टू ए वन टू ए प्लस टू बी इक्वल्स टू माइनस सेवन, दिस इज द सेकंड, थर्ड सी माइनस वन इक्वल्स टू थ्री, डी फोर डी माइनस सिक्स इक्वल्स टू 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 डी। नाउ साइमल्टेनियसली सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सबसे पहले ये करना है कि जो सबसे इजीएस्ट इक्वेशन है दैट इज दिस वन, जो जो हम आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि सी इक्वल्स टू सी माइनस वन इक्वल्स टू थ्री है, सी माइनस वन इक्वल्स टू थ्री, इसका मतलब है इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगी तो सी इक्वल्स टू थ्री प्लस वन, सो द आंसर इज सी इक्वल्स टू फोर। तो पहला मेरी आ गया सी इक्वल्स टू फोर। नाउ सी, अब देखिए सी की वैल्यू कहाँ आ रही है, सी की वैल्यू इन इक्वेशन वन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू सी इन दिस इक्वेशन, सो ए प्लस सी, ए प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा ए प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, देन दिस ए इक्वल्स टू माइनस फोर। तो मेरे पास यहां से सी की वैल्यू भी आ गई और ए की वैल्यू भी आ गई इक्वल्स टू माइनस फोर। देन अब मेरे पास ए की वैल्यू मैं पुट करूंगा इन इक्वेशन टू। नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में मैं पुट कर रहा हूं, इक्वेशन टू में पुट कर रहा हूं ए प्लस टू बी इक्वल्स टू माइनस सेवन। नाउ द वैल्यू ऑफ ए इज माइनस फोर, पुटिंग इक्वल्स टू माइनस फोर, माइनस फोर प्लस टू बी इक्वल्स टू माइनस सेवन। नाउ दिस इस माइनस फोर को हम इक्वेशन की उस तरफ ले जाएंगे, तो टू बी इक्वल्स टू माइनस सेवन प्लस फोर, सो टू बी इक्वल्स टू माइनस थ्री, सो बी इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय टू। सो यहां से हमारी ए बी एंड सी, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी। अब हमारे पास जो चीज रहेगी दैट इज डी। अब हम इस इक्वेशन में डालेंगे डी फोर डी माइनस सिक्स इक्वल्स टू 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 डी। नाउ अब लास्टली हमने क्या करना है कि फोर डी माइनस सिक्स इक्वल्स टू टू डी। नाउ माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस प्लस टू डी, देन दिस कन्वर्ट इक्वेशन किस तरफ आ जाएगा तो माइनस फोर डी, सो माइनस सिक्स इक्वल्स टू माइनस टू डी, देन माइनस माइनस साइन कैंसल ईच अदर, सो टू डी इक्वल्स टू सिक्स एंड डी इज इक्वल्स टू सिक्स बाय टू, सो द आंसर इज डी इक्वल्स टू थ्री। सो इन दिस वे वी कंप्यूटेड ए बी एंड सी विच इज द रिक्वायर्ड। अब जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी ए प्लस सी। नाउ पुटिंग ए ए ए इज इक्वल्स टू माइनस फोर,
माइनस फोर प्लस सी. व्हाट इज सी? सी इज फोर. देन सी, द वैल्यू ऑफ सी इज फोर माइनस वन. ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज माइनस फोर प्लस टू बी. टू बी, बी वैल्यू ऑफ बी इज माइनस थ्री बाय टू. टू टू कैंसिल ईच अदर, सो द वैल्यू इज माइनस फोर. सो फोर प्लस इनटू ब्रैकेट माइनस थ्री. एंड फोर डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी इज थ्री. तो फोर डी मीन्स ट्वेल्व. ट्वेल्व माइनस सिक्स. Then minus four plus four equals to zero. Minus four plus four equals to zero. That the answer is zero. Four minus one equals to three. Minus four minus seven minus three equals to minus seven. 12 minus six equals to six. So this value is 0, this 0, 3, 3, minus 7, minus 7. Now 6 and 2d, putting the value of d here, 2d, 2 into 3. So the value is 6. So in this, we also prove that this matrix equals to this by putting the value of a, b and c. That's all.